हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो यार, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो यार, मैंने सोचा आज क्यों ना एक रियलिटी चेक करते हैं कोलगेट के ऊपर। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कोलगेट के बारे में कि ये पेनिस एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, आपका लिंग बड़ा हो जाएगा, आप 10 घंटे तक करोगे, ये सब बातें हैं। और ऊपर से बहुत सारे जो छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है उससे, उसमें हेल्प करता है। तो मैंने सोचा यार, ऐसा है क्या इस चमत्कारी कोलगेट में जो सब इतना बोल रहे हैं, ऐसा है क्या इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने पढ़े, सच बताऊँ कुछ भी नहीं मिला। एक भी इंग्रेडिएंट जो भी इसमें मिल है वो कोई भी डायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं करेगा, इसकी आप गारंटी लिख के ले लो। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लोग पता नहीं ये वीडियोस बना के ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं, क्यों झूठ का प्रचार कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद एक आध लोगों ने कुछ बनाया होगा वीडियो उसके ऊपर, और फिर लोगों ने देखा, चलो उसमें इतने व्यूज़ आ गए, मैं भी बना देता हूँ, मैं भी यही चीज़ बोल देता हूँ। नहीं होता, सीरियसली नहीं होता है। और आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना पड़ें, बिल्कुल भी ना पड़ें, किसी भी कीमत पे नहीं। तो ये जो है कोलगेट, अभी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, सोडियम फ्लोराइड है और बहुत सारे फोमिंग फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, वाटर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डायरेक्ट हेल्प करे, बट ऊपर से आपको प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है। अब प्रॉब्लम्स कैसे दे सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कि ये करता क्या है, ये आपकी जो नसें हैं उनमें नंबनेस लाता है। सुन होना समझते हैं, नंब होना, वो एक फीलिंग, एक सेंसेशन आपके नसों में लेके आता है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो होने वाला है। और मैं ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आपको वो नंबनेस फील हो। और ऐसा नहीं है, मैंने खुद यूज़ किया, मैंने सोचा चलो ठीक है एक आध दिन ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। मैंने ट्राई किया और सच में एक दो दिन आप यूज़ करेंगे तभी आपको फील होने लगेगा कि वो नसें जो आपकी हैं वो नंब हो रही हैं, उसमें झुनझुनाहट आ रहा है। अब वो झुनझुनाहट तो कोई नहीं चाहेगा, आप चाहोगे कि वो एक्टिव रहे, उनमें एनर्जी रहे, ताकि आपको वो इरेक्शन मिले, वो आपको एक्साइटमेंट मिले। बट ऐसा तो नहीं होगा, ये तो उल्टा ही असर कर रहा है। और हाँ, बर्निंग सेंसेशन, जो जलन होती है, वो जलन वाली फीलिंग भी आप फील कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, अगर आपके वो जो इनर स्किन पे या अंदर वाले हिस्से पे अगर पहुंच गया तो आपको बर्निंग सेंसेशन भी होगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। अब आप अपनी आँखों में कुछ तो नहीं डाल लोगे ना, वैसे ही आपको वो जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको भी प्रोटेक्शन आपको वैसे ही करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कुछ भी बोल दिया मुँह उठा के और आप बस लगा दिए उसको, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने भी कई सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, बट डेफिनेटली वो कोलगेट नहीं है। और दोबारा आप इसको यूज़ बिल्कुल ना करें। और सच में, अब कुछ लोगों ने उसका पॉइंट ये लिखा है कि चलो आपका जो बैड स्मेल आता है, बैड स्मेल हो सकता है किसी को होगा प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी, ये तो कोलगेट सेंसिटिव है, कोई और भी है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कोलगेट के, आप कोई भी यूज़ ना करें एटलीस्ट अपने, मतलब ओरल के लिए तो अच्छा है ही, वो तो मैं नहीं बोलूँगा कि वो ओरल के लिए ख़राब है, वो जिस चीज़ के लिए बना है वो उस काम में परफेक्ट है। बट जो लोगों ने उसके नए तरीके निकाल लिए हैं वहाँ बिल्कुल नहीं, तो उन सब चीज़ों से बच के रहें, वो बिल्कुल यूज़ ना करें। और ख़ास कर से अपने सेंसिटिव एरियाज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, उनका ध्यान रखें, उसको केयर करें। अगर उसके निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आप जैसे ही यूज़ करना शुरू करेंगे हो सकता है आपको कुछ परमानेंट डैमेज भी हो सकता है ना, आपकी कोई नसें परमानेंटली सुन्न हो सकती हैं, क्योंकि वो श्रिंक करती हैं नसों को। श्रिंक करेगा तो उसमें अपने आप ब्लड फ्लो कम होगा, बढ़ेगा नहीं। वो आपके नसों को खोलने का काम नहीं करता है कि नसों को खोल दिया और कहीं नसें पतली है तो उनको मोटा कर देगा, नहीं होगा। वो ब्लड फ्लो तो नहीं बढ़ाएगा आपका, अगर ऐसे ब्लड फ्लो बढ़ाता तो वो तो फिर आपके मसूड़े भी बड़े हो जाते, नहीं होते ना, होते हैं क्या, नहीं होते, करेक्ट। तो वही चीज़ है कि जिस काम के लिए जो बना है उसी को उसी को रहने दें, उसको आप नए तरीके से अपने हिसाब से चेंज ना करें। और दोबारा जब आप कोलगेट यूज़ करने के बारे में सोचें भी अपने पेनिस पे या अपने लिंग पे, तो
बिल्कुल ये वीडियो जरूर ध्यान में रखें, और आप क्या फील करते हैं इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं मुझे। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लें।